बीते कई महीनों से सुनने में आ रहा था कि कुमकुम भाग्य की तर्ज पर जल्द ही ये रिश्ता क्या कहलाता है का स्पिन ऑफ लॉन्च होगा और अब बहुत जल्द आप शो का स्पिन ऑफ ये रिश्ते हैं प्यार के देख सकेंगे। बल आपको याद दिला दें कि इस शो में तू सूरज में सांझ पियाजी फेम रिया शर्मा लीड रोल में नजर आएंगी और रिया के ऑपोजिट शो में शाहिर शेख दिखेंगे। लेकिन अब टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक के भी शो से जुड़ने की खबर काफी जोरों पर है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि शो से पलक अपना टीवी डेब्यू करेंगी। इसमें उनका रोल एक छोटा सा कैमियो रोल होगा जो कहानी को एक बड़े ट्विस्ट की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब अपनी बेटी के शो से जुड़ने की पूरी सच्चाई खुद श्वेता तिवारी ने बताई है। जी हाँ, फाइनली अब इन खबरों पर श्वेता तिवारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने ये बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी सारी खबरें महज अफवाह हैं। दरअसल वेबसाइट स्पॉट बॉय ने जब इस बारे में कंफर्मेशन के लिए श्वेता से कांटेक्ट किया तो उन्होंने पहले तो इस खबर को बिल्कुल ही गलत बता दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने हालिया इंस्टा पोस्ट में भी इस खबर पर पूरी सफाई दी है। अपनी रीसेंट पोस्ट में श्वेता ने इस दो वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट वाली तस्वीर को पोस्ट किया है और फिर इस पिक के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, नो इट्स नॉट ट्रू, आई हैव नो आइडिया वेयर दिस बेसलेस र्यूमर्स कम फ्रॉम, शी इज नॉट डेब्यूइंग येट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द प्रोडक्शन हाउस डोंट क्लैरिफाई फ्रॉम देयर एंड। मतलब जिस तरह से श्वेता ने इस पर सब कुछ साफ किया है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये र्यूमर जरूर किसी फैन की हरकत ही हो सकती है जो पलक के डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पलक दर्शिल सफारी की फिल्म क्विकी से वैसे अपना बॉलीवुड डेब्यू करने ही वाली थी मगर बाद में वो अपनी पढ़ाई की वजह से इस फिल्म से अलग हो गयी और तभी से फैंस उनके डेब्यू को लेकर एक्साइटेड बैठे हैं। तो अब देखते हैं कि पलक कब और कौन से प्रोजेक्ट के साथ अपना डेब्यू करेंगी। और अब जिस तरह से श्वेता ने सब कुछ साफ किया है उसे देखकर तो लगता है कि अभी फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा पलक के डेब्यू का। वैसे अगर वापस ये रिश्ते हैं प्यार के की बात करें तो शो के पहले प्रोमो से साफ जाहिर हो चुका है कि मिष्टी अब अपने सपनों के राजकुमार के इंतजार में बैठी है। बताया जा रहा है कि शो के ओपनिंग ट्रैक में भी यही दिखाया जाएगा कि सिंघानिया परिवार मिष्टी के लिए सही लड़के की तलाश में है, जिसके बाद कहानी में ऋत्विक अरोड़ा और शाहिर शेख की एंट्री होगी। तो अब इस शो को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताइए।